राष्ट्रीय शैक्षिकानुसंधान प्रशिक्षण परिषदः केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थानम् प्रस्तौति पाठ्यचर्याधारिता श्रृंखला ध्वनिशाला। अस्तु तर्हि चलामः अष्टम कक्षायाः ध्वनिशालायाम्। कक्षा आठवीं की संस्कृत पाठ्य पुस्तक रुचिरा पाठ दो यानी द्वितीय पाठा। बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता, बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। सर्वप्रथम मैं इस पाठ को पूरा पढ़ूंगा। कस्मिंश्चित् वने खर नखरः नाम सिंहः प्रतिवसति स्म, सः कदाचित् इतस्ततः परिभ्रमन् क्षुधार्तः न किञ्चिदपि आहारं प्राप्तवान्। ततः सूर्यास्तसमये एकां महतीं गुहां दृष्ट्वा सः अचिन्तयत्, नूनम् एतस्यां गुहायां रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छति, अतः अत्रैव निगूढो भूत्वा तिष्ठामि इति। एतस्मिन् अन्तरे गुहायाः स्वामी दधिपुच्छः नामकः शृगालः समागच्छत्, स च यावत् पश्यति तावत् सिंहपदपद्धतिः गुहायां प्रविष्टा दृश्यते न च बहिरागता। शृगालः अचिन्तयत्, अहो विनष्टोऽस्मि, नूनम् अस्मिन् बिले सिंहः अस्ति इति तर्कयामि, तत् किं करवाणि। एवं विचिन्त्य दूरस्थः रवं कर्तुम् आरब्धः, भोबिल भोबिल किं न स्मरसि यन्मया त्वया सह समयः कृतोऽस्ति, यत् यदाहं बाह्यतः प्रत्यागमिष्यामि तदा त्वं माम् आकारयिष्यसि, यदि त्वं माम् न आह्वयसि तर्हि अहं द्वितीयं बिलं यास्यामि इति। अथ एतत् श्रुत्वा सिंहः अचिन्तयत्, नूनमेषा गुहा स्वामिनः सदा समाह्वानं करोति परन्तु मद्भयात् न किञ्चित् वदति, अथवा साधु इदम् उच्यते साध्विदम् उच्यते। भयसंत्रस्तमनसां हस्तपादादिकाः क्रियाः, भयसंत्रस्तमनसां हस्तपादादिकाः क्रियाः प्रवर्तन्ते न वाणी च बेपथुश्चाधिको भवेत्, तद् अहम् अस्य आह्वानं करोमि। एवं सः बिले प्रविश्य मे भोज्यं भविष्यति। इत्थं विचार्य सिंहः सहसा शृगालस्य आह्वानमकरोत्। सिंहस्य उच्चगर्जन प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्चैः शृगालम् आह्वयत्, सिंहस्य उच्चगर्जन ध्वनिना सा गुहा उच्चैः शृगालम् आह्वयत्। अनेन अन्येऽपि पशवः भयभीताः अभवन्, शृगालोऽपि ततः दूरं पलायमानः इमम् अपठत्, अनागतं यः कुरुते सशोभते, सशोच्यते यो न करोत्यनागतम्, अनागतं यः कुरुते सशोभते, सशोच्यते यो न करोत्यनागतम्, वनेत्र संस्थस्य समागता जरा, बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। अब इस रहस्य से हम पर्दा उठा देते। बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता, मे माने मैंने या मेरे द्वारा, बिलस्य वाणी किसी बिल अथवा गुहा या गुफा की आवाज कदापि कभी भी न श्रुता, यानी मैंने कभी भी
बिल अथवा गुफा की आवाज नहीं सुनी अथवा मेरे द्वारा गुफा या बिल की आवाज कभी नहीं सुनी गई। प्यारे बच्चों, ये पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्रम से है। आपको बता दूं, संस्कृत का यह ग्रंथ पंचतंत्रम संपूर्ण विश्व की भाषाओं में अनुदित है, अर्थात पंचतंत्रम का दुनिया की सभी भाषाओं में अनुवाद हुआ। इस पुस्तक को बड़े बड़े विद्वान अकल की किताब भी कहते हैं। एक ऐसी पुस्तक है अकल की किताब, यानी बुद्धि की किताब। इसे कुछ ना समझ बच्चों को सिखाने के लिए, ना समझ राजा के पुत्रों को समझदार बनाने के लिए पंडित विष्णु शर्मा ने लिखा। पांच तंत्र हैं, पांच खंड हैं इसमें। यह खंड काकोलूकियम नामक खंड से लिया गया है। कस्मिश्चित बने, कस्मिश्चित किसी, कस्मिश्चित बने, वने माने वन में, खर न खरह खर न खर, नाम नाम वाला, सिंघह शेर, प्रतिवसति स्म रहता था। किसी वन में खर नखर नाम का सिंह रहता था। अब बच्चों, आप चाहें तो ऐसा भी और कई सेंटेंस वाक्य बना सकते हैं, जैसे कस्मिश्चित बने खर नखरह नाम भल्लू कह बसति स्म, सिंघा की जगह भालू कर दिया भल्लू कह। कस्मिश्चित बने खर नखरह नाम उल्लू कह बसति स्म, उल्लू रहता था। अथवा और कोई जानवर व्याघ्र, कस्मिश्चित बने खर नखरह नाम व्याघ्र बसति स्म, कितना सरल है। अथवा एकदम बदल देते हैं, कस्मिश्चित गृहे एकः बालकः बसति स्म। अथवा कस्मिश्चित बने एका बालिका बसति स्म। तो इस तरह से चाहें तो हम अपने सेंटेंस तमाम बना सकते हैं, और कोशिश करिए कि कम से कम पांच सेंटेंस आप बनाइए इसी को फॉलो करते हुए। तो पहला वाक्य पूरा हो गया। सह कदाचित इतस्ततः परिभ्रमन क्षुधार्तः न किंचिदपि आहारं प्राप्तवान्। सह, सह माने वह, कौन, शेर, शेर यानी वह आहारं भोजन प्राप्तवान् पाया। ये तो गड़बड़ हो गया, तो क्या करना चाहिए? सह न किंचिदपि आहारं प्राप्तवान्, उसने कुछ भी, न किंचिदपि न माने नहीं, किंचिदपि कुछ भी भोजन नहीं पाया। कहां, इतस्ततः परिभ्रमन, इधर उधर, इतस्ततः परिभ्रमन घूमता हुआ, किंचिदपि आहारं न प्राप्तवान्, कुछ भी भोजन नहीं पाया। कैसा था वो शेर? क्षुधार्तः, तो भूख से प्याकुल, क्षुधा से पीड़ित। क्षुधार्तः, सह माने वह, सिंह कदाचित किसी समय इतस्ततः परिभ्रमन इधर उधर घूमता हुआ, न किंचिदपि कुछ भी आहारं माने भोजन प्राप्तवान्। मेरे समझ सिंपल है, किसी समय जंगल में इधर उधर घूमते हुए उसे कुछ भी खाने को नहीं मिला। ततः, उसके बाद सूर्यास्त समय, सूर्योदय समय, सूर्यास्त समय, तो दिन के अस्त होने के समय, सूर्य के अस्त होने के समय, उसके बाद सूर्यास्त के समय एकाम महतीम गुहाम, एक बहुत बड़ी गुहाम माने गुफा को दृष्ट्वा देखकर सह अचिंतयत, उसने सोचा। क्या सोचता है? नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रौ कोपि जीवः आगच्छति, नूनम निश्चय ही एतस्याम गुहायाम इस गुफा में रात्रौ माने रात में कोपि कोई जीवः जीव आगच्छति आएगा या आता है, निश्चित रूप से इस गुफा में रात्रि में कोई जीव आता है। अतः
इसलिए अत्रैव यहीं निगूढ़ो भूत्वा छिपकर, निगूढ़ माने छिप, निगूढ़ो भूत्वा छिपकर तिष्ठामि बैठता हूँ। तो बात स्पष्ट हो गई। एतस्मिन् अंतरे गुहायाः स्वामी दधिपुच्छः नामकः शृगालः समागच्छत्। आप सब जानते हैं शाम के समय सभी अपने घर लौटते हैं, जितने पक्षी सुबह उड़ जाते हैं शाम को लौट के आते हैं। तो यही प्रकृति का नियम है, दिन में निकल जाओ काम करो, रात्रि में अपने घर वापस आ जाओ। अब क्या होता है यहाँ जंगल में, एतस्मिन् अंतरे इसी बीच गुहायाः स्वामी गुफा का स्वामी दधिपुच्छः नामकः शृगालः, दधिपुच्छ मतलब जिसके पूछ में दही है, ऐसा तो नहीं है कि उसके पूछ में दही लगा हो, लेकिन दधिपुच्छ उसका नाम है, जैसे उसका नाम खर नखर है वैसे इसका नाम दधिपुच्छ है। इसी बीच में गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का श्रृगाल सियार आया। अब यहाँ गुहायाः स्वामी कह दिया तो ठीक भाई, जिस घर में जो रहता है वो उसका स्वामी, वो उसका मालिक। अब क्या होता है, स यावत् पश्यति तावत् सिंहपद पद्धति गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते। सिंहपद पद्धति शेर के पैरों के चिन्ह, और केवल एक चिन्ह नहीं पद्धति ही, कई पंजे, सिंह के पैर के जो चिन्ह हैं पंक्ति में, पद्धति एक दो तीन चार पांच जितना चल के गया जैसे जैसे वैसे वैसे सिंह के पैरों की पद्धति माने पंक्ति, वो हो जब देखता है कि शेर के पैरों के निशान गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते, गुहा गुफा के अंदर जाते हुए दिखाई गए हुए दिखाई देते, न च बहिरागता लेकिन बाहर आए हुए नहीं दिखाई देते। श्रृगालः अचिन्तयत्, सियार ने सोचा, अहो विनष्टोऽस्मि, अरे नष्ट हो गया, अरे मारा गया रे, नूनम अस्मिन् बिले सिंहः अस्ति इति तर्कयामि, निश्चित रूप से, नूनम माने निश्चित रूप से, अस्मिन् बिले, अस्मिन् माने इस, बिल माने बिल में, सिंहः अस्ति शेर है ऐसा मैं सोच रहा हूं, ऐसा मेरा विचार है। तो क्या करूं, तत्किं करवाणि, तो क्या करें, एवं विचिन्त्य ऐसा सोचकर दूरस्थः, बहुत बुद्धिमान है सियार, दूरस्थः यानी बिल से थोड़ा दूर, रवम कर्तुम आरब्धः, आवाज करने लग गया, कौन, सियार। सियार का नाम क्या था, दधिपुच्छ। क्या आवाज करता है, क्या बोलता है, भो बिल भो बिल, अरे बिल अरे बिल, किम न स्मरसी, क्या याद नहीं है तुमको, स्मरण स्मरसी याद, क्या तुमको स्मरण नहीं है, यन मया त्वया सह समयः कृतोऽस्ति, मेरा तुम्हारे साथ समय माने समझौता हुआ, मया माने मेरे द्वारा, त्वया सह तुम्हारे साथ, समयः कृतोऽस्ति समझौता किया गया है, यत् कि यदा हम बाह्यतः प्रत्यागमिष्यामि, यदा अहम जब मैं, बाह्यतः माने बाहर से, प्रत्यागमिष्यामि माने लौटूंगा, तदा त्वं माम आकारयिष्यसि, तदा माने तब, त्वं माने तुम, माम माने मुझको, आकारयिष्यसि बुलाओगी, जब मैं बाहर से लौटूंगा तब तुम मुझको बुलाओगी या बुलाओगे, यदि तुम माम न आह्वयसि, यदि त्वं माने तुम, माम माने मुझको, न आह्वयसि नहीं बुलाते हो, तर्हि तो अहम माने मैं, द्वितीयं बिलं यास्यामि, दूसरे बिल में चला जाओ, यदि तुम मुझे नहीं बुलाते हो तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊंगा। अथ इसके बाद एतत् श्रुत्वा ऐसा सुनकर सिंहः अचिन्तयत्, शेर ने सोचा, शेर क्या सोचता है, नूनमेषा गुहा स्वामिनः सदा समाह्वानं करोति, नूनम माने निश्चित रूप से, ऐसा गुहा यह गुफा स्वामिनः अपने स्वामी का सदा समाह्वानं करोति, हमेशा आवाहन करती है बुलाती है, परंतु लेकिन मद भयात मेरे भय से मेरे डर से, न किंचित बदति
कुछ नहीं बोलती है। अच्छी बुद्धिमानी की कि देखो विपत्ति आने से पहले जो उपाय कर लेता है वही बचता है, और विपत्ति आ जाने पर फिर उपाय क्या होगा। तो यहाँ विपत्ति तो थी लेकिन उसके पड़ने से पहले सियार ने उपाय क्या किया, बिल को आवाज कहा, बुद्धिमानी किया, बिल को कहा, ए बिल, अरे बिल, तुम्हारे मेरे साथ समझौता है क्या कि जब मैं बाहर से आऊंगा तब तुम मुझे बुलाओगी, यदि तुम मुझको नहीं बुलाती हो तो मैं दूसरे बिल चला जाऊं। यह सुनकर शेर ने सोचा निश्चित रूप से यह गुफा अपने स्वामी का हमेशा समावाहन करती है, अर्थात बुलाती है उसके आने पर, परंतु लेकिन मेरे भय से कुछ भी नहीं बोलती है। अथवा साध्विदमुच्यते, सही कहा, शेर ने भी कहीं पढ़ रखा था कि भय जब होता है तो शरीर में क्या होता है। शेर बोल रहा है, भय संत्रस्त मनसाम, भय से पीड़ित मन वाले लोग, भय माने भय, संत्रस्त माने पीड़ित, मनसा मन वाले, हस्त माने हाथ, पाद माने पैर, और कोई क्रिया एक्टिविटी और वाणी माने उनकी आवाज न प्रवर्तनते, नहीं निकलती है, नहीं चलती, प्रवृत्त नहीं होती, आवाज नहीं निकलती, आवाज बंद हो जाती, भय से पीड़ित व्यक्ति का ये हाल होता है। और क्या होता है, बेपथुश्चाधिको भवेत, और अधिक से अधिक कंपन हो जाता है। तो फिर शेर बहुत बुद्धिमान था, उसने भी शास्त्रों में सुन रखा था, तो जिसे डर लग जाता है, बेपथुश्चाधिको भवेत, और उसका सारा शरीर क्या होता है, बेपथु माने कांपने लग जाता है। तद अहम अस्य आह्वानम करो, तद तो अहम मैं अस्य इसका आह्वानम आवाहन करो माने करता हूँ, तो अब ये बिल तो बुलाएगी नहीं तो मैं ही इसका आवाहन करता हूँ। एवं सह बिले प्रविष्य में भोज्यम भविष्यति, मेरे बुलाने के बाद, एवं इस प्रकार, सह माने ये सियार, बिले प्रविष्य, बिल में प्रविष्ट होकर, प्रवेश करके, प्रविष्ट होकर के, मैं भोज्यम भविष्यति, मेरा भोजन हो जाएगा। इत्थम विचार, ऐसा विचार कर सिंह सहसा श्रृगालस्य आह्वानम अकरोत। इत्थम माने ऐसा, विचार माने विचार करके, सिंह माने शेर, सहसा अचानक श्रृगालस्य सियार का आह्वानम अकरोत, आवाहन कर दिया। अब शेर कोई ऐसे तो बोलेगा नहीं कि म्याऊं, शेर तो शेर ठहरा, उसकी आवाज तो गर्जना होगी, आओ, या जैसे भी बोले, हम नहीं बोल पाएंगे वैसा। तो शेर ने उसको बुलाया, तो बुलाया तो हुआ क्या, सिंहस्य उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना, शेर की उच्च गर्जन प्रतिध्वनि से, शेर की उच्च कोटि की गर्जन प्रतिध्वनि से सह गुफा, वो गुफा उच्चैः श्रृगालम् आह्वयत्, बड़ी जोर से सियार को बुलाई। फिर से बोलता हूं, सिंह की उच्च गर्जन की प्रतिध्वनि से उस गुफा ने बड़ी जोर से सियार को बुलाया। अनेन इससे अन्येपि पशवः, दूसरे पशु, कौन पशु, जंगल में जो इधर उधर घूम रहे थे, भयभीताः अभवन, भयभीत हो गए, शिगालोपि और सियार भी, ततः दूरम पलायमानः, वहां से दूर पलायमानः माने भागते हुए, भगा बड़ी जोर से। इमम अपठत, ये पढ़ा, जो पढ़ा सियार ने वो आगे है। तो मेरे समझ से क्लियर है, मैं श्लोक पढ़ता हूँ। अनागतम यह कुरुते शशोभते, अनागतम, आगतम माने आ गई, अनागतम माने जो नहीं आई है लेकिन आ सकती है। विपत्ति के आने से पहले यह कुरुते, जो करता है, क्या करता है, उपाय करता है। विपत्ति के आने से पहले जो उपाय करता है, सशोभते, वो सुशोभित होता है, अथवा उसकी जीत होती है, और सशोच्यते, वो दुखी होता है, शोक में पड़ता है, कष्ट में पड़ता है। यो न करोति अनागतम, जो ऐसा नहीं करता है, यानी विपत्ति के आने से पहले उपाय नहीं करता, वो दुखी होता है। दोबारा बोलता हूँ, विपत्ति के आने से पहले जो विचार करता है, उपाय करता है, वो सुशोभित होता है, उसकी जीत होती है।
यह न करोति अनागतम, जो विपत्ति आने से पहले उपाय नहीं करता है स शोच्यते, वह दुखी होता है, पीड़ित होता है। अब एग्जाम्पल बहुत बढ़िया दिया सियार ने, बनेत्र संस्थस्य समागता जन, बने अत्र, अत्र बने, इस वन में संस्थस्य माने रहते हुए, मैं जरा समागता, मेरी वृद्धावस्था आ गई, इस जंगल में रहते रहते मैं बूढ़ा हो गया। बनेत्र संस्थस्य समागता जरा, इस जंगल में रहते रहते मैं जरा हो गया हूँ, बुढ़ा हो गया हूँ। लेकिन बिलस्य वाणी न कदापि बेसुता, मैंने किसी बिल अथवा गुफा की आवाज नहीं सुनी। आज जो मैंने सुनी, तो इस तरह से सियार ने अपनी बुद्धिमानी से अपनी जान बचा ली। पाठ तो पूरा हो गया, अब इसमें कुछ कठिन शब्दों के उच्चारण हैं जो मैं अभ्यास कराता हूँ। अभ्यास कार्य में आ जाइए। कस्मिंश्चित, किसी विचिन्त्य, विचार करके, साध्विदम, सही है ये सही है, क्षुधार्तः, भूख से पीड़ित, एतत् श्रुत्वा, ऐसा सुनकर, भय संत्रस्त मनसाम, भय से पीड़ित मन वालों का, सिंह पद पद्धति, सिंह के पैरों के चिन्ह, सिंह के पैरों के पंजों के चिन्ह। अब यहाँ पद्धति ध्यान समझना पड़ेगा, जैसे पद पद्धति, पैरों की पद्धति माने एक पैर, दो पैर, तीन पैर, चार पैर, तभी तो जान पाए, केवल एक पंजे से तो नहीं पता चलेगा शेर। पद पद्धति ही, पैरों की पंक्ति, पैरों के चिन्हों की पंक्ति, पैरों के चिन्हों की पंक्ति, ये पद पद्धति है। सिंह के पैरों के तमाम चिन्ह, एक साथ चिन्ह, या लाइन में गए हुए चिन्ह, ये सिंह पद पद्धति है। समाह्वानम माने बुलाना, और प्रतिध्वनि माने, एक होता है ध्वनि जो सीधी आवाज, और प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि माने होती है जो टकरा के निकले। एक तो गुफा में बोला, बाहर किसने, सियार ने बोला, तो वो ध्वनि थी, और शेर ने जो बोला अंदर से, उसकी आवाज टकरा के निकली गुफा के दीवारों से, तो वो प्रतिध्वनि हुई। तो इस तरह से ये कठिन शब्दों के हो गए। अब उच्चारण कुरुतु था, तो इसको उच्चारण करके प्रैक्टिस करें बच्चे, तो समझ गया। हाँ, मेरा एक निवेदन और है, पाठ को कम से कम 3 बार अवश्य पढ़ें। 3 बार पढ़ने से 70% पाठ का मतलब अपने आप समझ में आ जाएगा, क्योंकि संस्कृत में ऐसी कोई अलग चीज नहीं जो आपकी मातृभाषा में ना हो। चाहे आप हिंदी मातृभाषा हो, आपकी पंजाबी मातृभाषा हो, आपकी तेलुगु मातृभाषा हो, आपकी कन्नड़ मातृभाषा हो, आपको उड़िया मातृभाषा हो, आदि आदि, तो आपको 3 बार ध्यान से पढ़िए तो 70% इसका मतलब आपको समझ में आ जाए। थोड़ा बचता है उसके लिए गुरु है, गुरु की कृपा से हो जाए। तो 3 बार भाई बच्चों इसको जरूर पढ़िएगा। अब अगला है, एक पदेन उत्तरम लिखत, जैसे हमने सीखा है, एक पदेन माने एक पद में, एक ही पद का, एक ही शब्द का आंसर करना है। एक उदाहरण, सिंहस्य नाम किम, सिंहस्य नाम किम, शेर का क्या नाम, तो क्या नाम था भाई, कस्मिंश्चित बने खर नखरह नाम सिंह, खर नखरह, तो उत्तर क्या हुआ, खर नखरह, सिंहस्य नाम खर नखरह, बस एक हमने दे दिया, बाकी पढ़ के निकालिएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण वाक्य ने उत्तर, पूर्ण वाक्य में इसका उत्तर देना है। अब प्रश्न देखो क्या है, खर नखरह कुत्र प्रतिवसति स्म, खर नखर कुत्र प्रतिवसति स्म, तो कहाँ रहता था शेर, कस्मिंश्चित बने, तो खर नखरह बने अथवा कस्मिंश्चित बने प्रतिवसति स्म, एक ही शब्द ऐड किया, बाकी एज इट इज उतार दिया हमने। अब बाकी सरल सरल प्रश्न हैं, इनको आप स्वयं अभ्यास करिएगा, आपके गुरुजी लोग बताएंगे, और दिक्कत होगी तो मेरे समझ से क्लियर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रेखांकित पदानि आधृत प्रश्न निर्माणम को, ये विचित्र पद्धति है। अभी तक प्रश्न अध्यापक पूछते थे, बच्चे उत्तर देते थे, यहाँ बच्चों से प्रश्न बनाने की बात कही जाती है। क्षुधार्तः सिंहः कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान, अंडरलाइन है क्षुधार्तः शब्द,
क्षुधार्ता माने भूख से पीड़ित, अब ये शब्द हमें हटा देना है। इसी में हमको प्रश्नवाचक चिन्ह लाना है शब्द। तो कीदृशः, कैसा, क्षुधार्ता है, भूख से पीड़ित, अब इसको प्रश्न बनाने के लिए, जैसे मैं हूँ, मैं भूख से पीड़ित हूँ तो मैं कैसा हूँ, तो संस्कृत में कीदृशः शब्द होता है। कीदृशः सिंहः कुत्रापि आहारं न प्राप्तवान्। अगला है पांचवा, घटना क्रमानुसारं वाक्यानि लिखत, पूरी कहानी को घटना के आधार पर अरेंज कर रहा है। इसमें आगे की लाइन, पीछे पीछे की लाइन, बीच में बीच की लाइन, आगे, ये सब ऐसा दिया हुआ है। जब हम पाठ को ठीक से पढ़ लेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा। तो इसका पहले हमें दो बार, गुहाया स्वामी दधिपुच्छा नाम श्रृगाला समागच्छत, अब इसमें ढूंढेंगे तो पहला पंक्ति क्या होगा, परिभ्रमण सिंघा चुधारतो जाता, सिंघा एकाम महतीम गुहाम अपश्यत, दूरस्था श्रृगाला रवम करतुम आरब्धा, सिंघा श्रृगालस्य से आह्वान, गुहायाम कोपि अस्ति इति श्रृगालस्य से विचारा। तो पहला क्या होगा, सिंघा एकाम महतीम गुहाम अपश्यत, इसके पहले परिभ्रमण सिंघः क्षुधार्तो जातः, ये पहला हो जाएगा। यथा निर्देशम उत्तरत, जैसे निर्देश दिया गया है वैसा आंसर करो। अब पहला क्या है, एकाम महतीम गुहाम दृष्ट्वा सह अचिन्तयत, अस्मिन् वाक्ये कति विशेषण पदानि संख्या सह पदानि अपि लिखत, कितने विशेषण पद हैं। एकाम महतीम गुहाम दृष्ट्वा सह अचिन्तयत, तो एकाम माने एक, महती माने बहुत बड़ी, गुहा तो ठीक ही है, तो अब इसमें दो विशेषण हो गए, कति विशेषण पदानी, द्वे विशेषण पदानी हो गए, उनका नाम लिखेंगे एकाम और महतीम। मंजूषा सह अव्यय पदानी चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्वत, जो नीचे मंजूषा दी गई है, कश्चन दूरे नीचे ही, यदा तदा यदि तरही परम च सहसा, ये सब अव्यय पद है, इनके सहारे से हमको जो नीचे रिक्त स्थान का पैराग्राफ दिया है इसको भरना है। अब मैं पहला करके दिखाता हूँ, एकस्मिन् बने व्याधः जालम विस्तीर्य स्थितः, तो अब व्याधा माने कश्चन आ गया, एकस्मिन् बने कश्चन व्याधः जालम विस्तीर्य दूरे स्थितः, दूर छिप गया, एकस्मिन् बने कश्चन व्याधः जालम विस्तीर्य दूरे स्थितः, थोड़ा दूर में स्थित हो गया, इस तरह से आप इसे कर सकते हैं। मित्रों, यह पाठ पूरा हुआ, तो अब मुझे यानी कृष्ण त्रिपाठी को विदा होने के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। संप्रति भवद्भिः श्रुतं पाठ्यचर्याधारिता ध्वनिशाला, निर्माणं सहयोगश्च मीनाक्षी कुकरेति तनु गुप्ता च, ध्वन्यांकनं शानु मुकसीमः विकास सांगवानश्च, निर्माणं विमलेश चौधरी, प्रस्तुतिः CIET NCERT नवदेहली भारतम्।